यूं तो हर इंसान मजहब में बटा हुआ है, लेकिन एक कड़ी है जो इन सबको जोड़ती है, जिनका हमेशा से कहना रहा है सबका मालिक एक। आज है हमारे सफर का सातवां दिन और नासिक डिवीजन में आखिरी दिन। आज हम आप लोगों को शिरडी साई बाबा के दर्शन कराएंगे। मेरे पुराने वीडियो में मैंने आपको एक कहानी का छोटा सा हिस्सा बताया था, आज उसी कहानी को हम पूरी तरीके से जानेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि साई बाबा एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और जब वो लगभग 5 साल के थे उन्हें एक सूफी फकीर ने अडॉप्ट कर लिया था। साई बाबा ने अपनी अधिकतर जिंदगी एक टूटी हुई मस्जिद में ही बिताया था। बाबा की एक बहुत फेमस कहानी है जहां पर लोगों का ये कहना है कि उन्होंने दिए को पानी से जलाया था। एक दिन हुआ यूं कि जब साई बाबा लोगों से भिक्षा में तेल मांगने गए तब सभी व्यापारियों ने उन्हें मना कर दिया। सभी व्यापारियों ने उन्हें इनकार कर दिया ये कहते हुए कि हमारे पास भी तेल नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं दे सकते। ये सुनकर साई बाबा अपने आश्रम आ गए। वहां पर उन्होंने अपने भक्तों को देखा और सभी भक्त बहुत नाराज थे। फिर उसी समय साई बाबा ने मस्जिद में एक कुआ था वहां से पानी निकाला और जिस कटोरे में वो लोगों से तेल मांगा करते थे उसमें उस पानी को भरा। फिर उसी पानी से बाबा ने सभी दियों को जलाया। ये देखते ही सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर व्यापारियों ने बाबा के पास आकर माफी मांगी। आई होप आप सभी को हमारे सीरीज में कुछ नया जानने और सीखने मिल रहा है। हमारे साथ इस सफर में बने रहिए क्योंकि हमारा अगला डेस्टिनेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।